हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर्स मुकाबले की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला जर्मनी बनाम इटली के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों जर्मनी से एम रिचर्डसन, जे बी एदन, एम बाई अशरफ, शाहिद नकाश, एब्बे मोसेर, हरमनजोत सिंह, डी ए बिगनॉट, डाइटर केन, वी गणेशन जो कि दोस्तों कैप्टन है जर्मनी के, जी आर अहमदी, वी ई भारती। दोस्तों आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि जर्मनी की प्लेइंग 11 है। बात करूँ वैन इटली की प्लेइंग 11 की, वैन मनदीप, एम कैपेनो, वैन मेडसन, एजे मॉस्क, हैरी जे मनंती, जैन मीट, जिकेबर्ग जो कि दोस्तों कैप्टन है इटली के, जसप्रीत सिंह, एच डी वर्टोलमियो, मनप्रीत सिंह, ग्रैंड स्टोवार्ट। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं जो कि इटली की प्लेइंग 11 है। बात करूँ मैं इस वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 28 जुलाई फ्राइडे को शाम को 3 बजे से ये मुकाबला गैरेज क्रिकेट क्लब में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करूँ मैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों पेसर्स को इस पिच पर ज्यादा मदद मिलने वाली है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करता हूँ मैं स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो दोस्तों टोटल मैच 14 खेले गए हैं। बैटिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 9 मुकाबले जीते हैं, एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 5 मुकाबले जीते हैं। जो एवरेज स्कोर आया फर्स्ट इनिंग का वो 170 रहा है, एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर दोस्तों 142 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 254 5 विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 82 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है 180 4 विकेट के साथ हुआ है, एंड लोवेस्ट वेटेड 136 रन 5 विकेट के साथ। मैच प्रीव्यू की बात करूँ उससे पहले बता दूँ दोस्तों इस मैच में 500 रुपये का फ्री गिव रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, अब आप पॉसिबल 11 सर्च करिए, वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करूँ मैं तो आपको बता दूँ इटली जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जितने चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस से इटली टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, शाहिद नकाश को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जोशुआ वन हेडर को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ मैं, दोनों की मूवी एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया है, लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोड पर देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ मैं तो जर्मनी जो कि 4th स्थान पर है 4 मुकाबले में से 2 मुकाबला विन किया है, एंड इटली जो कि दोस्तों 5वें स्थान पर है 4 मुकाबले में से ये भी 2 मुकाबला विन किया है। फ्रेंड्स, फैंटेसी टिप्स की बात करूँ मैं तो टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग ग्राउंड के विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर से कर सकते हो। विकेट कीपर में जैन मीट आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, पेसर्स का इस पिच पर जरूर रहने वाला है। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ, इटली जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए जर्मन टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर इटली के पिक कर सकते हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि जर्मनी के हैं जिनको अपनी डीम टीम में जरूर से करिए। फ्रेंड्स, जेबी एदन, एम बाई अशरफ, साहिद नकाश, एब्बे मोसेर, डाइटक एलियन, जी आर अहमदी एंड बी ए भारती। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 के मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जर्मनी की ओर से। बात करता हूँ फ्रेंड्स कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि इटली के हैं जिनको अपनी डीम टीम में जरूर से करिए। फ्रेंड्स, वैन मेडसन, एजे मॉस्क, हैरी जे मनंती, जैन मेड, जिकेबर्ग, जसप्रीत सिंह। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि इटली के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर से कर सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ फ्रेंड्स, जेबी एदन को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, एंड साई नकाश को एज ए कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करता हूँ हैरी जे मनंती की, तो आप दोस्तों इनको एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से करिए, एंड जिकेबर्ग को एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। बात करता हूँ फ्रेंड्स अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में मैंने दोस्तों एम रिचर्डसन को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन में दोस्तों एम चेपोनिया, एजे मॉस्क, जेबी एदन एंड डब्ल्यू मैटसन को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है, और ऑलराउंडर मैंने दोस्तों जी के वर्ग, एस जे एस नकाश को सिलेक्ट किया है, बॉलर में दोस्तों जे सिंह, एम बाई अशरफ,
एंड बी मनंती को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कैप्टन एजे मॉस्का को बनाया एंड वाइस कैप्टन दोस्तों डब्ल्यू मैटसन को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में बनाया है। फ्रेंड्स जो भी यार फाइनल अपडेट हो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिएगा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम पर लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो पिक्सल आपको सबसे पहले पहुंचे। पोस्ट 11 चैनल की तरफ से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।